नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी और चलिए सीधा रुख करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भिवानी से ये बड़ी खबर, एसवाईएल को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद का बयान। एसवाईएल को लेकर नेताओं की नीयत नेक होनी चाहिए, पूर्व की सरकारों ने नहीं सुलझाया ये मुद्दा। राज्यसभा सांसद बीजेपी के जिनका बयान इसको लेकर सामने आया है, एसवाईएल पर बोले, कहा कि नेताओं की नीयत नेक होनी चाहिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने संबंध में नहीं सोचा और इस मुद्दे को अनसुलझा ही रहने दिया। भूपेंद्र हुड्डा के अमरिंदर सिंह से अच्छे संबंध थे, सरकारों की नीयत सही नहीं थी और इसलिए आज भी ये मुद्दा जिसका तस। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का ये बयान। एसवाईएल पे सबसे पहले पॉलिटिशियंस की नेक नीति होनी पड़ेगी। प्रदेश में सरकारें आ चुकी हैं जिनका पंजाब सरकार के साथ काफी अच्छा ताल्लुक रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अमरिंदर सिंह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुका था, सुप्रीमल साहब के साथ था, मगर ये मुद्दा यूं का ही क्यों रहा? क्यों कि नीयत सरकारों की ठीक नहीं रही। जब तक दोनों मुख्यमंत्री बैठ के और प्रदेश दोनों प्रदेशों का भला करेंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी, लटकी रहेगी। और या प्रधानमंत्री पे छोड़ दे, जो प्रधानमंत्री फैसला दे वही थी एसवाईएल पे। तो भूपेंद्र हुड्डा की अमरिंदर सिंह के साथ अच्छे संबंध थे और जब दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि नेताओं की नीयत साफ नहीं थी। एसवाईएल को लेकर नेताओं की नीयत नेक होनी चाहिए, तभी जाकर इस मसले का हल निकल सकता है।